हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कृषि फ्लाई पे। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों फ्रूट्स के ट्रीज लगाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि सीडलिंग मेथड, एयर लेयरिंग मेथड या फिर ग्राफ्टिंग मेथड। तो आज मैं आपके साथ सीडलिंग मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सीडलिंग मेथड क्या है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इस सवाल का जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड फॉर माय ऑल इंग्लिश व्यूअर्स, आई एम गिविंग इंग्लिश सबटाइटल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो कंप्लीटली। तो दोस्तों पहला सवाल है, व्हाट इज सीडलिंग मेथड ऑफ प्लांटेशन। सीडलिंग मेथड क्या है? तो दोस्तों इसका सीधा जवाब यही है कि सीडलिंग मेथड में हम बीज को डायरेक्टली अपने फार्म की मिट्टी में या फिर अपने पॉट की मिट्टी में डायरेक्टली गाड़ते हैं। कुछ दिनों बाद इसी बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है और वही पौधा कुछ सालों बाद एक बड़ा पेड़ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आम का बीज अपने एक पॉट में लगा दिया है, कुछ सालों बाद वो एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि ये सीड्स या फिर ये जो बीज है ये कैसे बनता है? दोस्तों ये बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। जब मेल और फीमेल के जीन्स आपस में मिलते हैं तब ये सीड्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम का पेड़ है और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए, तो ये आम के अंदर जितने भी बीज है वो सब एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है। चाहे वो सारे आम एक ही पेड़ पर क्यों ना हो, पर इनके जो बीज है वो थोड़ा बहुत जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। कंसीडर कीजिए कि आपका एक आम का पेड़ है जो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग है और उस पर बहुत अच्छे आम भी लगते हैं। उस पेड़ पर जो आम लगते हैं उनका साइज बहुत अच्छा है, उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है और उस पेड़ पे जो आम लगने की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आम उस पेड़ पर लगते हैं और उस पेड़ पर जो फ्लावरिंग होती है वो भी बिल्कुल टाइम पे और सीजन के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका पेड़ इतना अच्छा है तो हर कोई चाहेगा कि उसके पास इस तरीके के पेड़ और ज्यादा हो। हम इस ट्री को हमारा पेरेंट ट्री कहते हैं। अगर हमको इस ट्री के जैसे 50 पेड़ और लगाने हैं और ये 50 पेड़ हम सीडलिंग मेथड के थ्रू लगाएंगे, मतलब इसमें हम इस बड़े पेड़ के 50 बीज लेकर डायरेक्टली लगाएंगे, तो आपको पता है क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये हमारे सीड्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं और ये जो हमारे 50 सीड्स है ये चाहे एक पेड़ के क्यों ना हो लेकिन जेनेटिकली ये सारे सीड्स एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग है। हमने इस 50 सीड्स को मिट्टी में गाड़ दिया है और कुछ दिनों बाद इन सीड से छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, इनको हम चाइल्ड ट्रीज कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पौधे जो बीज लगाने के बाद आए हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये पेड़ तकरीबन 8 से 12 साल लेंगे और उसके बाद आपको मैंगोज मिलेंगे। मतलब 8 से 12 साल तक आपको इन पर सिर्फ खर्चा करना है, इनकी मेंटेनेंस करनी है और इनको सही टाइम पे फर्टिलाइजर देना है और ये सब प्रोसेस में आपका बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट होगा, मतलब आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जब ये पेड़ आपको आम देना शुरू करेंगे तो उस पर जो आम है आपको ये गारंटी नहीं है कि ये आम टेस्ट में या फिर साइज में आपके पेरेंट ट्री जैसे होंगे। जैसे जो ये चाइल्ड ट्रीज के जो आम है उनका टेस्ट जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट ट्री जैसा हो, या फिर जो साइज है जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट ट्री जैसा हो। टेस्ट अच्छा भी हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है, वैसे ही साइज बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जरूरी नहीं है कि चाइल्ड ट्रीज उतने ही आपको मैंगोज दे जितना कि पेरेंट ट्री देता था। ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड ट्रीज पर आम ही ना लगे या फिर उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जितना फ्लावरिंग आपके पेरेंट ट्री पे होता था उतना ही फ्लावरिंग आपके चाइल्ड ट्रीज पे भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिफ्थ डिसएडवांटेज ये है कि जिस सीजन में आपका पेरेंट ट्री मैंगोज देता था जरूरी नहीं है कि आपके चाइल्ड ट्रीज भी उसी सीजन में आपको मैंगोज दे, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन जरूर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आपके पेरेंट ट्री जैसे और ट्रीज चाहिए तो आपके लिए सीडलिंग मेथड सुटेबल ऑप्शन नहीं है और इसका जिम्मेदार है आपका सीड बीज।
इन सीड्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है, इस वजह से आपको सेम ट्री मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे सीड्स एक ही ट्री से होने के बावजूद इनके अंदर ये वेरिएशन क्यों आता है? दोस्तों, मैंने मेरे 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि इस धरती पर कोई भी जीव जंतु इंसान या फिर कोई जानवर हो, अगर इनको सर्वाइव करना है तो उनको अपने टाइम के साथ कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस धरती पर वही जीव जंतु ज्यादा देर तक टिक सकता है जो हेल्दी और स्ट्रांग है, जो कमजोर है वो ज्यादा देर तक इस धरती पर टिक नहीं सकते। यही कॉन्सेप्ट ये 50 बेजोस पर भी अप्लाई होता है। क्लाइमेट के हिसाब से ये सीड्स भी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं ताकि ये सीड्स मुश्किल से मुश्किल क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब ये एक तरीके की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। पर इस प्रोसेस में ये 50 सीड्स अपने पेरेंट ट्री के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको खो देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो पेरेंट ट्री है उसके जैसे और ट्रीज हमें कैसे मिल पाएंगे जिनका टेस्ट या फिर साइज बिल्कुल अपने पेरेंट ट्री जैसा हो? इसका जवाब है ग्राफ्टिंग मेथड या फिर एयर लेयरिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सीडलिंग मेथड के सिर्फ डिसएडवांटेजेस है, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी है। तो चलिए देखते हैं सीडलिंग मेथड के एडवांटेजेस क्या है। दोस्तों, बीजों से जो पौधे बनते हैं उनके जो रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं, इसलिए इन पौधों को ग्राफ्टिंग मेथड में एज अ रूट स्टॉक भी इस्तेमाल करते हैं। मैंगो की ग्राफ्टिंग भी इसी तरीके से की जाती है। सीडलिंग ट्रीज बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बुरे से बुरे क्लाइमेट में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रीज की ग्रोथ हाइट में ग्राफ्टेड ट्रीज से बहुत ज्यादा होती है। सीडलिंग ट्रीज की जो लाइफ है वो भी ग्राफ्टेड ट्रीज से बहुत ज्यादा होती है। एक टाइम के बाद जो ग्राफ्टेड ट्रीज है वो फल देना बंद कर देते हैं, पर जो सीडलिंग ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे वक्त तक आपको फ्रूट्स देते हैं। एक तरीके से सीडलिंग ट्रीज का जो इम्यून सिस्टम है वो ग्राफ्टेड ट्रीज के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होता है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है ये हर एक किस्म के सीड्स, चाहे वो किसी क्रॉप का हो या फिर किसी फ्रूट का हो, हर एक सीड्स पर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप कमर्शियल हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो आपके लिए सीडलिंग मेथड उतना फीसेबल नहीं है, आपके लिए बेस्ट मेथड है ग्राफ्टिंग मेथड। आई होप दोस्तों कि आपको ये सीडलिंग मेथड जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा और आपके जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स बाय बाय।